तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचाना होता है। उसके लिए आप इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप इसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर देते हो, जिसका हर पर्टिकुलर पार्ट का आपको फॉर्मूला पता होता है कि हमें क्या प्लेस करना है। खैर, रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा रूट एक्स, और माइनस हो जाएगा एक्स रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक्सपोनेंट फॉर्म का फॉर्मूला पता होता है एक्स पावर एन का, तो एक्स पावर एन मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करिए। रूट को एक्सपोनेंट फॉर्म में रखते हैं तो एक्स पावर 1/2 आता है, माइनस एक्स और एक्स की पावर 1/2। और एक्सपोनेंट ला आप पढ़े होंगे कि अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है, पावर क्या है उनके, ऐड होते हैं, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 1+ क्या हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा, और 1+1/2 कितना हो जाएगा आपका, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास दो टर्म हो गए, एक्स की पावर हाफ और एक्स की पावर 3/2। अब क्या करिए, चूंकि इंटीग्रेशन आपका लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये आप ये दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेगा। dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 dx, ठीक है। अब एक्स की पावर एन का फॉर्मूला प्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हाफ प्लस वन हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन, ठीक है। अब ये नंबर तो सॉल्व किए जा सकते हैं, हाफ प्लस वन 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 3/2 लिख लेते हैं। अच्छा, उतना नीचे भी होगा 3/2, तो 3 और बाई 2, जो बाई 2 है वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5/2, तो दैट कुड बी रिटर्न एज ए 5/2, और नीचे 5/2, 5 नीचे रह जाएगा और 2 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस एक इनडेफिनिट कांस्टेंट आपका सी हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।